ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। लेकिन ब्राह्मण कहीं बीजेपी से नाराज नहीं है। पहली बात, जाएगा ससुर ब्राह्मण कहाँ जाएगा बताओ? कहाँ जाएगा? जाएगा कहाँ बता दीजिए। यूपी में लंबे वक्त से ब्राह्मण समाज को लेकर सियासत गरमाई हुई है। लगातार ये आवाज उठती रही है कि यूपी में ब्राह्मण समाज मौजूदा राज्य सरकार से नाखुश है। इस मसले पर अब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ऐसा बयान दिया है जो विवाद का केंद्र बन सकता है। बीजेपी नेता हरिद्वार दुबे ने ब्राह्मणों की बीजेपी से नाराजगी के सवाल पर कहा कि ब्राह्मण ससुर कहां जाएंगे? बीजेपी में ही जाएंगे। बीजेपी में आना ब्राह्मण की मजबूरी है। नहीं, ये सब गलत बात है ब्राह्मण, ये सब नाटकबाजी है। कुछ हरिद्वार दुबे को पहले चेहरा नहीं देखा संगठन में, आज तक तो लगातार पदाधिकारी था। और ये उड़ाया गया है, लेकिन ब्राह्मण कहीं बीजेपी से नाराज नहीं है। पहली बात, जाएगा ससुर ब्राह्मण कहाँ जाएगा बताओ? कहाँ जाएगा? जाएगा कहाँ बता दीजिए। हाँ, तो सम्मान तो बीजेपी के अलावा कहीं नहीं है। क्या बीजेपी मजबूरी है क्या? नहीं, मजबूरी है ही है। बात से तो ऐसा ही लग रहा है कि मजबूरी क्या है, क्योंकि मित्र बीजेपी के संबंध ऐसा ब्राह्मणों से है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हो जो लोग करते हैं व्यवहार ब्राह्मणों से, जब वो खुलता नहीं है या खुल जाता है तो पता चलता है। इसे सब जानते हैं कि ब्राह्मणों को कहाँ जाना है। और एक कोई लोग हवा बनाते रहे, ब्राह्मण बीजेपी के साथ ही रहेगा। हरिद्वार दुबे ने ये बयान ऐसे मौके पर दिया है जब वो राज्यसभा सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवारों में हरिद्वार दुबे का नाम भी शामिल किया है। आज सभी 8 उम्मीदवारों ने विधानसभा जाकर अपना नामांकन भी भरा। हरिद्वार दुबे ने भी नामांकन किया है। जब उनसे ब्राह्मणों की नाराजगी पर सवाल किया गया तो वो शब्दों की सीमा लांघते नजर आए। हरिद्वार दुबे ने ब्राह्मणों के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए यहां तक कह दिया कि ये और कहां जाएंगे, बीजेपी में आना इनकी मजबूरी है। बता दें कि हरिद्वार दुबे 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। गौरतलब है कि यूपी में ब्राह्मणों के साथ मौजूदा यूपी सरकार में न्याय न होने के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। यहां तक कि कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ तब भी सरकार की कार्रवाई पर ब्राह्मणों के खिलाफ एक्शन के तौर पर देखा गया। कुछ ब्राह्मण नेता भी सार्वजनिक तौर पर इस तरह के आरोप सरकार पर लगा चुके हैं। ऐसे में ब्राह्मण समाज से आने वाले बीजेपी नेता हरिद्वार दुबे का बयान राज्य में सियासी सरगर्मियां फिर बढ़ा सकता है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।